Hello friends, good morning all of you and welcome back to Rjcareerpoint online nursing classes. Friends, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि वीडियोस की आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे. तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आए एक इंपॉर्टेंट क्लास जिसमें हम बात करने वाले हैं एंटीपार्टम हेमरेज के बारे में. तो एंटीपार्टम हेमरेज के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन की बात करेंगे अपन. और आपके लिए जो एबनॉर्मल ऑब्स्ट्रक्टिव की क्लासेस हैं वो कंटिन्यू स्टार्ट कर दी हैं. अब आपसे यहाँ से थ्योरी क्लासेज और क्वेश्चन क्लासेज हम डेली आपके लिए लेके आएंगे. सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स. कंटिन्यू आप घर पे स्टडी कर रहे हैं जो चीज, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दें क्योंकि एग्जाम नियर बाई है. थ्योरी तो मोस्ट ऑफ द सभी ने कर ली होगी कंप्लीट. अब जितना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फोकस करोगे आपके लिए उतना ही ज्यादा बेनिफिट रहेगा. और अगर टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन नहीं किए तो आज ही आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें. टेस्ट सीरीज के अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम के अंदर बहुत ही बेनिफिट देने वाले हैं. और ऋषिकेश एम्स के लिए भी हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं तो कल से आपके लिए ऋषिकेश एम्स की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है. सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. एक बार आप शेयर कर दें ताकि सभी स्टूडेंट लाइव आ जाए. फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास जिसमें हम बात करने वाले हैं एंटीपार्टम हेमरेज के बारे में. ठीक है. इतनी देर अपन लास्ट क्लास का रिवाइज करवा लेते हैं. तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में. तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? इम्प्लांटेशन ऑफ द जाइगोट जस्ट आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी. नॉर्मल जैसे यूट्राइन कैविटी के अंदर जो इम्प्लांटेशन होता है जाइगोट का, अगर यूट्राइन कैविटी से बाहर इसका इम्प्लांटेशन होता तो किसके अंदर आता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर. जैसे मैंने आपको बताया था कि एब्डोमिन कैविटी के अंदर हो सकता है, ओवरी के अंदर हो सकता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो सकता है या सर्विक्स पार्ट के अंदर भी हो सकता है. तो इसके लिए अपने जो डायग्नोसिस टेस्ट आपको बताया था कि अपन क्या करते हैं, ये तो फंडल हाइट इंक्रीज नहीं होती है, हॉर्मोनल जो एस्टिमेट अपन चेक करते हैं. ठीक है. लैप्रोस्कोपी या लैप्रोटॉमी के द्वारा अपन क्या करते हैं, इसका डायग्नोसिस करते हैं. और यूएसजी के द्वारा इसका डायग्नोसिस करते हैं. और मैनेजमेंट के लिए मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर अपन जैसे एक तो होता है कंजर्वेटिव, एक होता है नॉन कंजर्वेटिव जिसमें अपन करते हैं सर्जरी. तो सर्जरी के अंदर मैंने आपको बताया था कि या तो अपन स्ट्रोमा बना के इसको क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन उसको रिमूव कर लेते हैं, या अपन क्या करते हैं जो पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का या जहां पर इसका इम्प्लांटेशन हो रहा है उस पार्ट को अपन कट करके रिमूव कर देते हैं. ठीक है. अगर प्रोडक्ट की साइज लेस देन 4 सेंटीमीटर है तो अपन क्या करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट के द्वारा उसको रिमूव करेंगे. जिसमें मैंने आपको बताया था आईएम इंजेक्शन देते हैं अपन मेथोट्रेक्सेट का 50 mg पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से आईएम इंजेक्शन देते हैं मेथोट्रेक्सेट, जो क्या करेगा सेल डिविजन को स्टॉप करता है. तो ये हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था. अगर आप किसी ने क्लास नहीं देखी तो क्लास को आप पूरा देखें लास्ट क्लास को. ठीक है. देखिए सीएचओ का रिजल्ट अगर डिक्लेयर होता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे. अभी इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है रिजल्ट के बारे में. तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास जिसमें अपन बात करेंगे एंटीपार्टम हेमरेज. तो एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है, अपन सबसे पहले बात करते हैं एपीएच के बारे में. एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम जेनाइटल ट्रैक्ट आफ्टर 28 week ऑफ जेस्टेशन टू 4 of delivery से पहले और 28 week ऑफ जेस्टेशन के बाद में अगर जेनिटल ट्रैक्ट से कोई भी ब्लीडिंग देखने को मिलती है वो किसके अंदर काउंट करते हैं अपन, एंटीपार्टम हेमरेज के अंदर. ब्लीडिंग कब से कब तक, 28 week ऑफ जेस्टेशन से लेकर डिलीवरी तक, यानी डिलीवरी से पहले अगर डिलीवरी टाइम में ब्लीडिंग हो रही है उसको बोलते हैं इंट्रापार्टम हेमरेज. देखिए सिंपली आपको बताता हूं मैं, 28 week इज दैट डिलीवरी टाइम एंड आफ्टर 6 week. तो 28 week से लेकर डिलीवरी तक जो होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, एंटीपार्टम हेमरेज. ठीक है. डिलीवरी टाइम में जो ब्लीडिंग होती है उसको बोलते हैं अपन इंट्रापार्टम हेमरेज, और आफ्टर डिलीवरी टू अप टू 6 week तक जो होती है उसको बोलते हैं अपन पोस्टपार्टम हेमरेज. ठीक है. सिंपली समझ में आ गया सभी को कि अगर जेनिटल ट्रैक्ट से जो ब्लीडिंग होती है 28 week टू
डिलीवरी तक, तो उसको बोलते हैं अपन एंटीपार्टम हेमरेज, और डिलीवरी टाइम में होती है उसको बोलते हैं अपन इंट्रापार्टम हेमरेज, और डिलीवरी के बाद से लेकर 6 वीक तक जो ब्लीडिंग होती है उसको बोलते हैं अपन पोस्टपार्टम हेमरेज। ठीक है, सही नहीं दिख रहा आपको? क्लियर दिखाई दे रहा है आप सभी को? एक बार सभी रिप्लाई करें, क्लियर दिखाई दे रहा है आप सभी को? देखिए ये तो बात होगी इसकी डेफिनेशन की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी। अगर इटियोलॉजी की बात करें तो एग्जैक्ट इटियोलॉजी इज अननोन। एग्जैक्ट जो इटियोलॉजी है वो क्या है? इडियोपैथिक या अननोन। इडियोपैथिक या अननोन। लेकिन कुछ रिसर्चर और साइंटिस्ट बताते हैं इसके लिए एक थ्योरी दी है उन्होंने, ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी। कौन सी है? ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी। ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी के अंदर क्या बताया उन्होंने कि जो फर्टिलाइज ओवम है या जाइगोट जो है वो फर्टिलाइज होने के बाद में क्या होता है, इट्स ड्रॉप डाउन इनटू द लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस। इट्स ड्रॉप डाउन इनटू द लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस। लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस के अंदर, सॉरी एक मिनट, यहां से मैंने आपको इसके टाइप बताने हैं। ये एपीएच के जो टाइप है, टाइप के बारे में बात करें तो देखिए एक होता है प्लेसेंटा प्रीविया, एक होता है एब्रप्सियो प्लेसेंटा। ठीक है, एक होता है प्लेसेंटा प्रीविया और एक होता है एब्रप्सियो प्लेसेंटा। यहां से इंपॉर्टेंट चीज देखिए एक बार, इसको टू कैटेगरीज के अंदर क्या किया गया, डिवाइड किया गया है, प्लेसेंटा प्रीविया एंड एब्रप्सियो प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रप्सियो प्लेसेंटा। तो कंडीशन देखिए दोनों के अंदर क्या होता है, ब्लीडिंग देखने को मिलती है, एंटीपार्ट हेमरेज दोनों कंडीशन में देखने को मिलता है। लेकिन इनमें दोनों में जो डिफरेंस है, प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब क्या हो गया, यहां से प्रीविया की बात करें तो मतलब होता है पोजीशन, प्रिया का मतलब होता है पोजीशन, और प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा की पोजीशन क्या हो गई है, डिसमैच हो जाती है। नॉर्मली जो प्लेसेंटा अटैच होता है कहां पर होता है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस, यूट्रस की पोस्टीरियर वॉल पे। और कौन सी, अगर मैंने आपको बताया था कि जो यूट्रस के पार्ट होते हैं कौन सा होता है, कॉर्पस, स्टमस और सर्विक्स, तीन पार्ट होते हैं। कॉर्पस के अंदर दो पार्ट होते हैं, फंडस और बॉडी कैविटी। फंडस और बॉडी कैविटी दो पार्ट होते हैं। तो जो बॉडी कैविटी होती है उसकी पोस्टीरियर वॉल पर नियर द फंडस, नॉर्मली जो इम्प्लांटेशन होता है कहां पर होता है, इम्प्लांटेशन अगर जनरली सिंपली बात करें विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन तो कहां पर होता है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस नियर द फंडस, नियर द फंडस। यहां पर क्या होता है, नॉर्मली जब विदाउट एनी एब्नॉर्मलिटी अगर सिंपल अपन बात करें कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो इम्प्लांटेशन इस साइड पर होता है। लेकिन अगर कंडीशन आती है प्लेसेंटा प्रीविया की, तो प्रीविया का मतलब होता है पोजिशन, तो प्लेसेंटा की जो इम्प्लांटेशन साइट होती है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। और कहां पर हो जाती है इसकी पोजिशन, इन लोअर यूटेराइन सेगमेंट, इन लोअर यूटेराइन सेगमेंट। ठीक है, लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर क्या होता है, इसकी इम्प्लांटेशन होता है। और एब्रप्शियो प्लेसेंटा के अंदर क्या होता है, प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का प्रीमेच्योर सेपरेशन हो जाता है। ठीक है, कि टर्म डिलीवरी होने से पहले क्या होता है, प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है और वहां पर हमें ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ठीक है, प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है बिफोर द टर्म, जब टर्म कंडीशन में बेबी पहुंचता है, बेबी जब मैच्योर होता है उससे पहले अगर प्लेसेंटा सेपरेट हो गया तो क्या होगा, ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। ये सबसे मोस्ट कॉमन रीजन होता है, एब्रप्सियो प्लेसेंटा इज द मोस्ट कॉमन रिस्क ऑफ APH। APH का सबसे मोस्ट कॉमन जो रिस्क होता है कौन सा होता है, एब्रप्सियो प्लेसेंटा, या इसको बोलते हैं एब्लेप्सियो प्लेसेंटा भी बोलते हैं। ठीक है,
तो यहां पर इसके दो फैक्टर हैं, किसके? एंटीपार्टम हेमरेज के, एक है प्लेसेंटा प्रीविया और एक है एब्रेप्सियो प्लेसेंटा, एक है प्लेसेंटा प्रीविया और एक है एब्रेप्सियो प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा प्रीविया में आपको समझ में आ गया, प्रीविया का मतलब होता है पोजिशन, तो पोजिशन क्या होती है? डिसमैच हो जाती है। कैसे? नॉर्मल जो प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन होता है कहां पर होता है? पोस्टीरियर वॉल ऑफ द बॉडी ऑफ यूटरस नियर द फंडस। पोस्टीरियर वॉल ऑफ द बॉडी ऑफ यूटरस नियर द फंडस क्या होता है? जनरली इम्प्लांटेशन होता है प्लेसेंटा का। लेकिन इन कंडीशन ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया जो इसका इम्प्लांटेशन होता है कहां हो जाता है? लोअर यूटेराइन सेगमेंट। इसके सेपरेट टाइप दिए गए हैं, अलग अलग टाइप, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर, उनकी भी हम बात करेंगे। लेकिन आप सिंपली यहां से यह बात याद रखिए कि लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है। किसमें? प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर। अब यहां से देखिए, इसका जो लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर जो इम्प्लांटेशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्या रीजन है इसके, तो इसकी इटियोलॉजी की बात करें अपन। यहां पर देखिए, इसकी इटियोलॉजी इडियोपैथिक है, वैसे अननोन या इडियोपैथिक है। अब यहां से कुछ रिसर्चर ने इसके बारे में जो थ्योरी दी है वो है ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी। मतलब उन्होंने बताया है कि जो फर्टिलाइज ओवम होता है या फर्टिलाइज जो एग होता है वो क्या होता है, आफ्टर 72 आवर्स कहां पर ट्रांसफर होता है? फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस के अंदर क्या होता है? ट्रांसफर होता है। लेकिन उस ट्रांसफर के टाइम में वो क्या हो जाता है? ड्रॉप डाउन इन लोअर यूटराइन सेगमेंट। फर्टिलाइज एग या जायगोट क्या हो जाता है? ड्रॉप डाउन इन लोअर यूटराइन सेगमेंट, और जहां पर वो ड्रॉप डाउन होता है वहीं पर क्या होता है? इसका इम्प्लांटेशन हो जाता है। वहीं पर क्या होता है? इसका इम्प्लांटेशन हो जाता है। अब ये ड्रॉप डाउन हुआ है, इसका रीजन देखिए, ड्यू टू लेस एंडोमेट्रियल रिएक्शन, कि जो एंडोमेट्रियम है उसका रिएक्शन क्या है? डिक्रीज है। अदरवाइज क्या होता? एंडोमेट्रियम अगर एक्टिव है तो वो क्या होता है? पोस्टीरियर वॉल ऑफ बॉडी कैविटी के अंदर क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है। लेकिन यहां पर क्या हुआ? जैसे ही ओवम फर्टिलाइज हुआ और उसके बाद में ट्रांसफर होता है यूट्रस के अंदर, और ट्रांसफर होने के बाद में ड्रॉप डाउन हो जाता है लोअर यूटराइन सेगमेंट में, और वहां पर क्या होता है? इसका इम्प्लांटेशन हो जाता है। इसके अलावा एक और थ्योरी है, यहां पर इंक्रीज द सीलियरी एक्टिविटी ऑफ फेलोपियन ट्यूब, इंक्रीज द सीलियरी एक्टिविटी ऑफ फेलोपियन ट्यूब, कि फेलोपियन ट्यूब की जो सीलियरी एक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। इसलिए फास्टली क्या होता है? सडनली, या अपन फास्ट बता सकते हैं कि स्पीड से क्या होता है? जो जायगोट है वो ट्रांसफर होता है यूट्रस के अंदर, और पोस्टर वॉल पर इम्प्लांटेशन ना होकर लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांटेशन हो जाता है। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन कहां पर हुआ? लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर, वहीं पर क्या हो गया? इसका इम्प्लांटेशन हो गया। तो ये वो इसकी इटियोलॉजी की बात। अब अपन यहां से बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स देखिए, अगर अपन टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला होता है टाइप फर्स्ट प्लेसेंटा प्रीविया, या इसको अपन बोलते हैं लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, क्या बोलते हैं? लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, जो मेजर पार्ट ऑफ प्लेसेंटा इन अपर यूटराइन सेगमेंट एंड स्मॉल पार्ट इन लोअर यूटराइन सेगमेंट। ठीक है, जो मेजर पार्ट होता है वो अपर यूट्राइन सेगमेंट में होता है, और स्मॉल पार्ट कहां पर होता है? लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर होता है। ठीक है, यहां पर देखिए, अपर पार्ट में क्या होता है? मोस्ट ऑफ द पार्ट अपर पार्ट के अंदर होता है, और कुछ पार्ट जो होता है प्लेसेंटा का इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर होता है।
इसके अंदर देखिए डज नॉट क्रॉस द डज नॉट कवर द इंटरनल ऑस, इंटरनल ऑस को कवर नहीं करता है, ठीक है। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी इज पॉसिबल, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी इज पॉसिबल, इसके अंदर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल होती है। लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया होता है, इसके अंदर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी क्या होती है, पॉसिबल होती है, क्योंकि यहां पर जो प्लेसेंटा है वो इंटरनल ऑस को कवर नहीं कर रहा है, तो इजीली अपन क्या कर सकते हैं, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी यहां पर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका एक डायग्राम तरीके से आपको बताता हूं मैं, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर आपको डायग्राम देके पूछ लेता है। अब देखिए यहां पर प्लेसेंटा का जो नॉर्मली इम्प्लांटेशन होता है, प्लेसेंटा का नॉर्मली इम्प्लांटेशन अगर 3D डायग्राम होता है तो उसके अंदर अपन बता सकते हैं पोस्टीरियर वॉल पर यहां पर, लेकिन अगर अपना जो 2D डायग्राम है वहां पर दिखाते हैं अपन आपको कि प्लेसेंटा इम्प्लांटेशन यहां होता है, ठीक है। नॉर्मली यहां होता है पोस्टीरियर वॉल ऑफ द बॉडी ऑफ यूट्रस नियर द फंडस, इसको याद रखना आप, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द बॉडी ऑफ यूट्रस पर क्या होता है, जनरली इम्प्लांटेशन होता है। लेकिन अपन बात करें प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर, प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर सबसे पहला अपना टाइप है लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया, मतलब लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस के अंदर, तो तीनों चारों टाइप का आपको यहीं पर बता दूंगा मैं। तो यहां पर देखिए लो लाइंग के अंदर क्या होगा, मेजर पार्ट कहां पर होता है, अपर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर, लेकिन सम पार्ट इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट, ठीक है। मेजर पार्ट अपर यूट्राइन सेगमेंट में होता है लेटरली वॉल पर, और कुछ पार्ट जो होता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर होता है, यह होता है लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर, ठीक है। सेकेंड अपन टाइप की बात करेंगे उसमें अपन पढ़ेंगे मार्जिनल, सेकेंड जो बात करेंगे उसमें पढ़ेंगे अपन मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब क्या हो गया, ये क्या है, इंटरनल ओस है, यहां पर क्या है, इंटरनल ओस है, तो ये इंटरनल ओस को कवर नहीं कर रहा है और इंटरनल ओस के जस्ट पास में भी नहीं है। अगर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कंडक्ट करवानी है हमें तो प्लेसेंटा की डिस्टेंस इंटरनल ओस से मोर देन 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ध्यान रखना। अगर हमें नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल करनी है तो वहां पर क्या होना चाहिए, जो प्लेसेंटा की अटैचमेंट साइट है वो इंटरनल ओस से मोर देन 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, तब क्या हो सकती है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर लेस देन 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस है इन बिटवीन प्लेसेंटा एंड इंटरनल ओस तो वहां पर हमें सिजेरियन सेक्शन ही करना होगा, समझ गए। अब सेकंड टाइप की अगर बात करेंगे अपन पढ़ेंगे मार्जिनल, तो मार्जिनल के अंदर जो प्लेसेंटा का अटैचमेंट होगा वो कहां पर होगा, मेजर पार्ट इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट एंड स्मॉल पार्ट इन अपर यूट्राइन सेगमेंट, ठीक है। ये जो टाइप बता रहा हूं आपको ये किसमें देखने मिलेगा हमें, मार्जिनल के अंदर। अब जो थर्ड कंडीशन देखने को मिलेगी हमें पार्शियल या इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया, पार्शियल या इनकम्प्लीट, इसमें क्या होगा, इंटरनल ओस को कवर करेगा लेकिन कंप्लीट नहीं करेगा, इंटरनल ओस को कवर कर रहा है यहां पर प्लेसेंटा लेकिन इनकम्प्लीट या पार्शियल, तो इस टाइप के अंदर अपने को नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। देखिए वो सेकंड टाइप में होता है एंटीरियर पोस्टीरियर, वो आपको उसकी कंडीशन अलग है, यहां पर आपको डायग्राम के अंदर यहां पर दिखाई नहीं देगा ये पोस्टीरियर है या एंटीरियर है, टाइप सेकंड में अपन बात करेंगे भी उसको डिटेल से पढ़ेंगे तब, ठीक है, कि पोस्टीरियर है या एंटीरियर है, तो उनमें भी जो एक कंडीशन होती है स्टिलवर्थी साइन का और डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया आपको भी पढ़ाऊंगा मैं, आपको जस्ट डायग्राम के द्वारा बता रहा हूं कि आपको अगर डायग्राम में ऐसा पूछा जाए तो आप उसका आंसर कैसे दे सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है जो मार्जिनल और ये जो अपना थर्ड टाइप है पार्शियल, वो दोनों क्या होते हैं, सेम से लगते हैं, तो ध्यान रखिए पार्शियल के अंदर ये थोड़ा बहुत कवर करेगा इंटरनल ऑस को, तो उसको देख के आप इजीली असेस कर सकते हो, और अगर यहां पर कंप्लीट होता है, कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया या टाइप 4, तो उसके अंदर क्या होगा, ये जो कंप्लीट है इंटरनल ऑस उसको कवर करेगा यहां से, ठीक है, तो कंप्लीट इंटरनल ऑस कवर हो जाएगा उसमें, तो जो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो इजीली आपको डायग्राम समझ में आ गया। अब यहां से देखिए वापस अपन बात करते हैं अपने टॉपिक पे, डायग्राम मैंने आपको बता दिया,
अब सेकंड टाइप की बात करते हैं अपन, टाइप सेकंड प्लेसेंटा प्रीविया का जो है, टाइप सेकंड प्लेसेंटा प्रीविया, क्या इसको अपन बोलते हैं मार्जिनल, क्या बोलते हैं मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। तो इसके अंदर देखिए टाइप सेकंड में क्या होगा, टाइप सेकंड मैंने आपको बताया कि जो मोस्ट जो पार्ट होता है प्लेसेंटा का कहां पर होता है, लोअर यूटराइन सेगमेंट के अंदर, देखिए टाइप सेकंड में क्या होगा, जो मोस्ट पार्ट इन मोस्ट प्लेसेंटल पार्ट इन लोअर यूटराइन सेगमेंट एंड स्मॉल पार्ट इन अपर यूटराइन सेगमेंट, स्मॉल पार्ट कहां पे होगा, अपर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर, ठीक है। मोस्ट पार्ट होता है किसमें होता है, लोअर यूटराइन सेगमेंट के अंदर, लेकिन स्मॉल पार्ट कहां पर होता है, अपर यूटराइन सेगमेंट के अंदर। अब इसमें दो कंडीशन होती है, एक होता है टाइप फर्स्ट, सॉरी टाइप सेकंड एंटीरियर, टाइप सेकंड एंटीरियर प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। टाइप सेकंड एंटीरियर प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होगा कि जो इम्प्लांटेशन हो रहा है लोअर यूटराइन सेगमेंट में तो है, लेकिन अगर वो इम्प्लांटेशन टुवर्ड्स द सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है, टुवर्ड्स द सिम्फाइसिस प्यूबिस अगर होता है, उसको बोलेंगे अपन टाइप सेकंड एंटीरियर प्लेसेंटा प्रीविया। इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा, इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा towards the symphysis pubis, towards the symphysis pubis, अगर symphysis pubis की तरफ होता है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, type second anterior placenta previa, और इसके अंदर normal vaginal delivery possible होती है, vaginal delivery is possible, vaginal delivery is पॉसिबल, यहां पर वेजिनल डिलीवरी अपन कंडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। जबकि अपन बात करें सेकंड जो है अपना टाइप सेकंड एंटीरियर हो गया अपना, अब नेक्स्ट में बात करेंगे इसका टाइप सेकंड पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया, टाइप सेकंड पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया, इसमें क्या होगा, जो इम्प्लांटेशन होगा कहां पर होता है, इम्प्लांटेशन टुवर्ड्स द सैक्रल प्रोमोनेंट्री, टुवर्ड्स द सैक्रल प्रोमोनेंट्री, सेक्रल प्रोमोनेंट्री की तरफ क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन होता है कहां पर, सेक्रल प्रोमोनेंट्री मतलब पोस्टीरियर साइड में क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। अगर पोस्टीरियर साइड में सेक्रल प्रोमोनेंट्री की तरफ अगर इम्प्लांटेशन हो गया तो वहां पर क्या होता है, जो इनलेट का जो एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर ऑफ इनलेट होता है, तो इसके कारण क्या होगा, डिक्रीज द एंटीरियो पोस्टीरियर एपीडी, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ इनलेट, इनलेट का जो एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर है वो डिक्रीज हो जाता है, इनलेट का एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो सकता है, कंप्रेशन द फीटल हेड, कंप्रेस द फीटल हेड, कंप्रेस द फीटल हेड, और फीटल हेड क्या होता है, कंप्रेस हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो सकता है, डिक्रीज फीटल हार्ट रेट, डिक्रीज फीटल हार्ट रेट, फीटल हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है।
सेकल प्रोमिनेंटी की तरफ क्या हो जाएगा, इम्प्लांटस हो जाएगा प्लेसेंटा का, जिसके कारण एंटर पोस्टर डायमीटर होता है इनलेट का वो डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होने से फीटल हेड कंप्रेस हो सकता है, और कंप्रेस होने से क्या होगा, फीटल हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी। तो ये जो चीज होती है टाइप सेकंड पोस्टर प्लेसेंटा प्रीविया, इसको अपन बोलते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया, डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया। तो समझ में आ गया आप सभी को कि जो टाइप सेकंड प्लेसेंटा प्रीविया होती है उसके अंदर क्या देखते हैं मिलता है, जो इम्प्लांटेशन होता है वो कहां पर होता है, पोस्टीरियरली टुवर्ड्स द सैक्रल प्रोमिनेंट्री, और सैक्रल प्रोमिनेंट्री की तरफ इसका अटैचमेंट होने से क्या होगा, एंट्री पोस्टर डायमीटर जो होता है वो डिक्रीज हो जाएगा इनलेट का, और जिसके कारण फीटल हेड कंप्रेस होगा, जिसके फीटल हार्ट रेट डिक्रीज होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज स्टिल वर्दी साइन भी बोलते हैं। ठीक है, स्टिल वर्दी साइन एंड डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया दोनों कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, देखिए टाइप टू सेकंड पोस्टर प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन ही है, हमने आपको बताया फर्स्ट टाइप वन, सेकंड था टाइप टू, जिसमें पहला हमने देखा एंटीरियर और दूसरा है पोस्टीरियर। तो इसको हम बोलते हैं डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया, या इसमें कंडीशन देखने को मिलती है इसको बोलते हैं अपन स्टिल वर्दी साइन, जो फीटल हार्ट रेट डिक्रीज हो रही है कंप्रेशन होने के कारण, इसको बोलेंगे अपन स्टिल वर्दी साइन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप थर्ड या इनकंप्लीट एंड पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, तो वहां पर अपनी कंडीशन देखी लास्ट में, जो टाइप सेकंड पोस्टीरियर जो प्लेसेंटा प्रीविया था वहां पर भी क्या है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, वहां पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, सिजेरियन सेक्शन ही कंडक्ट करना होगा, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है टाइप सेकंड प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर। ठीक है, जो टाइप सेकंड का पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया है उसमें नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, अब यहां पर देखिए टाइप थर्ड, इसमें क्या है, इनकंप्लीट या पार्शियल, तो इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन हो रहा है, यहां पर देखिए प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन कहां पर हो रहा है, इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा ओवर द इंटरनल ऑस, ओवर द इंटरनल ऑस पार्शियली एंड इनकंप्लीटली, पार्शियली और इनकंप्लीटली क्या हो रहा है, इंटरनल ऑस के ऊपर क्या हो रहा है, इम्प्लांटेशन हो रहा है प्लेसेंटा का, बट डू नॉट कवर द फुली, डोंट कवर फुली टू इंटरनल ऑस, इंटरनल ऑस को कंप्लीट कवर नहीं कर रहा है। ठीक है, इंटरनल ऑस को कंप्लीट कवर नहीं कर रहा है, पार्शियली या इनकंप्लीटली क्या हो रहा है, इंटरनल ऑस को कवर कर रहा है ये प्लेसेंटा प्रीविया टाइप थर्ड, जिसको अपन बोलते हैं इनकंप्लीट या पार्शियली, इसके अंदर भी वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, वेजाइनल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल नहीं होती इसके अंदर भी। नेक्स्ट हम बात करें टाइप फोर या कंप्लीट, फोर्थ अपना टाइप फोर, या इसको बोलते अपन कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया, इसमें क्या होगा, कंप्लीटली जो इंटरनल ऑस है वो कवर होता है, कंप्लीट इंटरनल ऑस, इंटरनल ऑस कवर बाय द इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा
प्लेसेंटा के इम्प्लांट से कंप्लीट जो इंटरनल लॉस है वो कवर हो जाता है. नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल. नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी नॉट पॉसिबल. ठीक है, यहां पर भी वेजाइनल डिलीवरी क्या है, पॉसिबल नहीं है. तो ये आपका थ्योरेटिकल कंपार्टमेंट था, ये हो गया है. यहां से मैंने आपको इसके टाइप्स बता दिए, इसकी यूटोलॉजी बता दी है, और अब अपन बात करेंगे इससे रिलेटेड साइन सिम्टम्स से. ठीक है, साइन सिम्टम्स से इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं. साइन सिम्टम की बात करें तो ये आपके लिए एम्स की टेस्टरी स्टार्ट की है. तो जिन स्टूडेंट ने अभी टेस्टरी ज्वाइन नहीं किया, आप टेस्टरी ज्वाइन कर ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एम्स के रिगार्डिंग. आपको इसमें तीन टेस्ट मिलेंगे. आप सिंपली गूगल पे जाके सर्च करें rjcareerpoint.com और वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करें. ठीक है, रजिस्ट्रेशन करके आप टेस्टरी ज्वाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं इसके साइन सिम्टम्स के बारे में. साइन सिम्टम्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं इसमें. देखिए, साइन सिम्टम्स के अंदर देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो ब्लीडिंग होती है, वेजल ब्लीडिंग हमें देखने को मिलती है. तो क्या होगा यहां पर, पेनलेस ब्लीडिंग, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग. क्योंकि यहां पर क्या होता है, पेन फील नहीं होता फीमेल को. क्या होता है, पेन फील नहीं होता है. नॉर्मली अपने वो वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है यहां पर. कोजलेस ब्लीडिंग, कोजलेस ब्लीडिंग. ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें जो ब्लीडिंग होती है वो फीमेल की एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं होती है. ब्लीडिंग जो होती है वो फीमेल की एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं होती है. ब्लीडिंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ, नॉट एसोसिएटेड विथ एक्टिविटी. एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होती है. इसके अंदर यूट्रस क्या होता है, सॉफ्ट होता है. यूट्रस बिकम सॉफ्ट. ठीक है, यूट्रस भी क्या होता है, यहां पर सॉफ्ट फील होता है. ब्लीडिंग ऑल्सो इन रेस्टिंग कंडीशन, ब्लीडिंग इन रेस्टिंग कंडीशन. ऐसे नहीं कि जैसे कोई फीमेल कुछ काम कर रही है जिसके कारण ब्लीडिंग हो सकती है. अगर फीमेल रेस्टिंग कंडीशन में भी है तो भी वहां पर हमें ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है. अगर फीमेल रेस्टिंग कंडीशन में है तो भी वहां पर हमें ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है. ठीक है, ब्लीडिंग जो होती है कैसी होती है, ब्राइट रेड इन कलर, ब्राइट रेड इन कलर. तो इसकी साइन है पेनलेस ब्लीडिंग होती है, कॉजलेस ब्लीडिंग होती है. ब्लीडिंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द फीमेल एक्टिविटी, उसको फीमेल की एक्टिविटी है उससे रिलेटेड नहीं है. क्योंकि अगर रेस्टिंग कंडीशन में भी है फीमेल तो भी वहां पर हमें ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है. ठीक है, रिवेल्ड ब्लीडिंग या रिकरेंट ब्लीडिंग अपन इसको बोल सकते हैं. ठीक है, रिवेल्ड ब्लीडिंग या रिकरेंट ब्लीडिंग इसको बोल सकते हैं. नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहां से इसके डायग्नोसिस के बारे में. अगर डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस के अंदर देखिए, सबसे मोस्ट है प्लेसेंटोग्राफी, प्लेसेंटोग्राफी. एग्जामिनेशन ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है, एग्जामाइन द प्लेसेंटा अंडर द यूएसजी, अंडर द यूएसजी. यूएसजी के अंडर में क्या करेंगे, हमें प्लेसेंटा का एग्जामिनेशन करेंगे. ठीक है, इसके अलावा जो परवेजन करते हैं, पीवी इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, कॉन्ट्रा इंडिकेटर, ध्यान रखना. क्योंकि यहां पर क्या है, प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, अगर अपन पीवी करते हैं तो वहां पर क्या हो सकता है, प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा की कंडीशन देखने को मिल सकती है, और वेजाइल ब्लीडिंग भी हमें एक्सेसिव कंडीशन में देखने को मिलती है. तो पीवी क्या करेंगे अपन, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखते हैं. तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, इसकी जगह अपन क्या करते हैं, डबल सेटअप ऑफ एग्जामिनेशन, डबल सेटअप एग्जामिनेशन.
इसमें क्या करेंगे अपन, जो पीवी करते हैं वो कहां करते हैं, ऑटी के अंदर, ठीक है। ऑटी में क्या करते हैं अपन, पीवी। डबल सेटअप एग्जामिनेशन में क्या होता है, बाय द फिंगर अपन जो पीवी करते हैं वो किस में करते हैं, ऑटी में। अगर ब्लीडिंग कंडीशन होती है तो उसको अपन मैनेज कर सकते हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर, तो इसके लिए अपन करते हैं डबल सेटअप एग्जामिनेशन जो अपन करते हैं पीवी और इन द ऑटी। अब यहां तक बात हो इसकी डायग्नोस की। अब यहां पर देखिए अपन बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की, कि कंडीशन हमने देख ली, इटियोलॉजीज की देख ली, इसके टाइप्स देख लिए, क्या क्या साइन सिम्टम्स आ रहे हैं, अब इसको अपन मैनेज कैसे करेंगे। तो इसका मैनेजमेंट देखिए, मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट के अंदर दो होते हैं, एक है एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट, एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट। अब एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट कब अप्लाई होगा और एक्टिव मैनेजमेंट कब अप्लाई होगा, अगर फीमेल हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, अगर फीमेल हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, फीमेल इज हीमोडायनेमिकली स्टेबल, अगर फीमेल हीमोडायनेमिकली स्टेबल है तो अपन करते हैं एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट। तो अब इसके अंदर भी दो कंडीशन होती है, एक होता है अगर जो एज है जेस्टेशनल एज अगर लेस देन 37 वीक होती है, ध्यान रखना अगर जेस्टेशनल एज लेस देन 37 वीक होती है तो अपन ट्राई करेंगे कि इसको 37 वीक तक कंटिन्यू रख सके, क्योंकि फीमेल क्या है हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, मतलब ज्यादा ब्लीडिंग नहीं हुई है, ब्लड लॉस ज्यादा नहीं हुआ है, तो स्टेबल है हीमोडायनेमिकली। तो अपन क्या करेंगे, अगर 37 वीक से कम है जेस्टेशनल एज तो उसको ट्राई करेंगे कि 37 वीक तक उसको कंटिन्यू रखे प्रेगनेंसी को। यहां पर देखिए, इफ लेस देन 37 वीक जेस्टेशन, तो क्या करेंगे, ट्राई टू टिल अप टू 37 वीक, कि 37 वीक तक कंटिन्यू रहे प्रेगनेंसी, ट्राई करेंगे अपन कि 37 वीक तक जो प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यू रहे, और अगर मोर देन 37 वीक है तो क्या करेंगे, इसको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर लेंगे, ठीक है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देते हैं, मतलब डिलीवरी करवा लेते हैं अपन, ठीक है, जैसे भी पॉसिबल होती है कि सिजेरियन सेक्शन है या नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है, तो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी अपने को दो ही कंडीशन देखने को मिल सकती है, एक तो होती है टाइप फर्स्ट प्लेसेंटा प्रीविया, एक होती है टाइप सेकंड एंटीरियर प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर, ठीक है, जो एंटीरियर टाइप सेकंड प्लेसेंटा प्रीविया, इन दोनों में क्या होती है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होती है, बाकी रिमेनिंग अपन बात करें टाइप सेकंड पोस्टीरियर में और टाइप थर्ड और फोर्थ में क्या होती है सिजेरियन सेक्शन ही हमें करना होता है, ठीक है। ये तो बात होगी किसकी, मैनेजमेंट की, इसमें हमने देखा आपको एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट। अब दूसरी कंडीशन आती है एक्टिव मैनेजमेंट, सेकंड अपन बात करें एक्टिव मैनेजमेंट, तो एक्टिव मैनेजमेंट के अंदर देखिए, इसे भी अपन अलग अलग कंडीशन देखते हैं कि जो कंडीशन है कि 37 वीक को क्रॉस किया है या नहीं किया है, अगर 37 वीक को क्रॉस करते हैं तो अपन सिंपली इसमें सिजेरियन सेक्शन करना है तो सिजेरियन सेक्शन करेंगे, अगर 37 वीक को क्रॉस नहीं किया है तो भी इसमें हमें डिलीवरी करवानी होती है। तो इसमें देखिए, इसमें अपन इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे कि एक तो होता है टाइप फर्स्ट और एक है टाइप सेकंड एंटीरियर, ठीक है, और सेकंड अपन बात करें टाइप सेकंड पोस्टीरियर एंड टाइप थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। अगर टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड एंटीरियर है तो इसमें क्या करेंगे अपन, ये करते कब है, एक्टिव मैनेजमेंट करते कब है, जब फीमेल हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल हो, जब फीमेल अनस्टेबल होती है, ठीक है, फीमेल अगर अनस्टेबल हो
हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल होती है तो क्या करेंगे अपन, एक्टिव मैनेजमेंट करेंगे। इसमें अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं रख सकते, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखेंगे तो आगे इन फ्यूचर और भी कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इसलिए अपन क्या करेंगे, ट्राई टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की कोशिश करेंगे। अब कंडीशन आती है कि टाइप फर्स्ट और सेकंड में कैसे करते हैं और टाइप सेकंड पॉजिटिव थर्ड और फोर्थ में कैसे करते हैं। तो यहां पर देखिए, या तो अपन प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीटोसिन, इसे क्या करेंगे अपन, इंडक्शन ऑफ लेबर, या फिर प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के द्वारा क्या करेंगे अपन, यहां पर लेबर प्रोसेस स्टार्ट करवा देंगे और नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी अपन यहां से स्टार्ट करेंगे। दोनों में क्या होगा, वेजाइनल डिलीवरी, दोनों में क्या करेंगे अपन, वेजाइनल डिलीवरी। और यहां कंडीशन होती है टाइप सेकंड पोस्टीरियर थर्ड और फोर्थ, तो इनमें अपने को डायरेक्ट क्या करना है, सिजेरियन सेक्शन अपन कंडक्ट करवाते हैं। अब इससे रिलेटेड एक चीज और, जैसे अपन क्या करेंगे, या तो वेजाइनल डिलीवरी करवाएंगे इंडक्शन ऑफ लेबर के द्वारा, या फिर प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के द्वारा, या फिर अपन करते हैं सिजेरियन सेक्शन। तो ध्यान रखें, इफ बिफोर 34 वीक, अगर 34 वीक ऑफ जेस्टेशनल एज है, 34 वीक से पहले है, तो मैंने आपको बताया था इसमें क्या करते हैं अपन, लंग्स क्या होते हैं, मैच्योर नहीं होते हैं, तो उसमें अपन देते हैं बीटा मिथासोन देते हैं, कितना, 12 to 24 mg, 12 to 24 mg क्या देते हैं अपन, बीटा मिथासोन देते हैं, और कितनी देर पहले, 12 to 24 mg कितनी देर पहले देते हैं, 12 to 24 hour before to terminate of the pregnancy to mature the lungs। मैंने आपको सेपरेटली पढ़ा दिया था, जब हमने पढ़ा था LS रेशियो, जो लेसिथिन स्फिंगोमायलिन रेशियो जब हमने पढ़ा था, उसमें आपको ये सेपरेटली पढ़ा दिया था कि कब देते हैं और कैसे इसको अपन प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ भी अपन ध्यान रखेंगे कि अगर 34 वीक से पहले अपन टर्मिनेट कर रहे हैं, 34 वीक से अपन पहले इसको टर्मिनेट करते हैं, तो अपन क्या प्रोवाइड कराएंगे, यहाँ पर बीटामिथासोन 12 to 24 mg इसको देते हैं फॉर लंग्स मैच्योरिटी, लंग्स मैच्योरिटी के लिए अपन देते हैं बीटामिथासोन, ठीक है। तो ये इसका मैनेजमेंट अपन करते हैं, एक्टिव मैनेजमेंट। और एक चीज मैंने आपको बताई थी अभी डिस्टेंस के बारे में, कि इफ डिस्टेंस इन बिटवीन, ये चीज ध्यान रखना, इफ डिस्टेंस, आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इन बिटवीन प्लेसेंटा एंड इंटरनल ऑस, प्लेसेंटा एंड इंटरनल ऑस इज मोर देन थ्री सेंटीमीटर, अगर प्लेसेंटा और इंटरनल ऑस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो यहां पर अपन करवा सकते हैं वेजाइनल डिलीवरी। यहां पर वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है अगर ये डिस्टेंस प्लेसेंटा और इंटरनल ऑस के बीच में लेस देन 3 सेंटीमीटर होती है। अगर ये प्लेसेंटा और इंटरनल ऑस के बीच में जो डिस्टेंस है वो लेस देन 3 सेंटीमीटर अगर होती है, तो वहां पर हमें करवाना होगा सिजेरियन सेक्शन। वहां पर हमें क्या करना होगा, सिजेरियन सेक्शन अपन कंडक्ट करवाते हैं। तो ये कंडीशन होगी आपकी प्लेसेंटा प्रीवियस से रिलेटेड, मैंने आपको सारी कंडीशन बता दी है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना, आप कई बार आपको यहां से क्वेश्चन पूछता है कि पोजिशन के बारे में, अगर कंडीशन हो रही है प्लेसेंटा प्रीवियस की, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है पोजिशन कौन सी देते हैं इसको। देखिए, प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर पोजीशन, ब्लीडिंग हो रही है कंटिन्यूस, तो इसको अपन पोजीशन कौन से देते हैं, देखिए यहां से रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन देने का उसमें क्या मोटिव है। यहां पर क्या होता है, जो फीमेल है अगर उसको रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन हम देंगे, तो उसका जो हेड क्या पार्ट होगा, एलिवेट होगा, हेड पार्ट क्या होगा, एलिवेट होगा, हेड पार्ट एलिवेट होगा, तो जो फीटस है
यूट्रस में अंदर जो फीटस है वो क्या होगा, डाउनवर्ड डिसेंट होगा। डाउनवर्ड क्या होगा, डिसेंट। जैसे देखिए, अगर फीमेल को हमने पोजीशन देते हैं, ठीक है, इस सेंट, अगर इसके मेजरमेंट अपन करते हैं तो इसको फीमेल को पोजीशन दिया हमने, हेड एलिवेटेड पोजीशन देते हैं, तो इस हेड एलिवेटेड पोजीशन के कारण क्या होगा, जो फीटल हेड होता है, फीटल हेड क्या होता है, डिसेंट डाउनवर्ड, नीचे की तरफ क्या होता है, डिसेंट होता है एंड कंप्रेस द ब्लीडिंग साइड, और ब्लीडिंग साइड को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा एंड देन ब्लीडिंग स्टॉप, और ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, प्लेसेंटा प्रीवे के अंदर रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन देते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है, हेड एलिवेटेड होता है, हेड एलिवेट होता है, ठीक है। तो रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन देने का जो मेन मोटिव होता है, क्योंकि जैसे ही रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन देंगे, हेड एलिवेट होगा, तो जो यूट्रस के अंदर फीटस है वो डाउनवर्ड डिसेंट होगा, और डाउनवर्ड डिसेंट होकर क्या करेगा, जो प्लेसेंटा जहां पर अटैच हो रही है, क्योंकि प्लेसेंटा लोअर यूटेरिन सेगमेंट में अटैच हो रही है, अगर डाउनवर्ड डिसेंट होगा तो फीटस का हेड भी क्या आएगा, लोअर यूटेरिन सेगमेंट में आएगा, और वहां पर आकर ब्लीडिंग साइड को कंप्रेस करेगा, और ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो इस रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे मैं आपको बता दिए हैं, और ये टॉपिक आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो रेगुलर आप स्टडी करें कंटिन्यूअस, और अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर एम्स के रिगार्डिंग, और ऋषिकेश एम्स के लिए भी स्पेशल टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे हम कल से, और रेगुलर आपकी क्लासेज हम करवा रहे हैं यहाँ से, और विक्रम सर की क्लास होगी नेक्स्ट, आपकी आधे घंटे बाद में विक्रम सर की क्लास होगी, जिसमें आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे, कार्डियक सिस्टम से जो ईसीजी रिलेटेड जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, जितने भी मोस्ट ऑफ द सारे डिजीज कंडीशन रिलेटेड आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो 12:30 के समथिंग उनकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो रेगुलर आप यूँ सपोर्ट करते रहें, और फेसबुक पे अपने सोशल मीडिया पे आप शेयर करते रहें वीडियोस को, आपका जो वीडियो अच्छा लगे आप उसको लाइक भी करें, अगर आपको क्लासेज अच्छी लग रही है तो आप वीडियोस को लाइक करें, और एक मिनट का टाइम निकाल के आप एक वीडियो आप अगर डेली का आप शेयर करेंगे तो ये चीज़ मोर एंड मोर स्टूडेंट के पास शेयर होगी, तो उन्हें भी इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा, और वो भी घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं, और कंटिन्यू आप अपनी तैयारी को बनाए रखें, एग्जाम नियर बाई हैं, और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है 2000 पोस्ट का जो फॉर्म भरा हुआ है जिन स्टूडेंट का, बाकी जो फ्रेशर स्टूडेंट है वो अभी उनकी ऋषिकेश एम्स की एग्जाम होगी, तो कंटिन्यू आप यहीं अपनी स्टडी को बनाए रखें, और क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें आप, क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो फ्रेशर स्टूडेंट है वो खैर थ्योरी को साथ साथ लेकर चले, बाकी जो स्टूडेंट पहले से पढ़ रहे हैं वो थ्योरी अगर उन्होंने कंप्लीट कर लिया तो क्वेश्चन पर ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि आजकल एम्स के अंदर आप सभी को पता है कि पैटर्न उसने बदल दिया है, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, अप्लाइड क्वेश्चन आएंगे, सारे प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंगल लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछता है एम्स वाला, ठीक है। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करोगे आपके लिए उतना ही बेनिफिट होगा, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है। यूपी एनएचएम के लिए देखिए, एनएचएम के अंदर को ज़्यादा अगर बात करें तो लेंथी सिलेबस नहीं होता, हमने जो सीएचओ की जो क्लासेस करवाई हैं आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, वही एक लेवल रहता है एनएचएम का, जो लेवल होगा वो सीएचओ के लेवल का ही रहेगा, बाकी आपके लिए टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट कर देंगे 2-4 दिन के अंदर। देखिए एक्लेम्सिया क्लास है, ये सारी अब डिजीज पोर्शन है वो सारा हम कवर करवा देंगे, अब क्लासेस थ्योरी क्लासेस के अंदर थोड़ा टाइम लगता है तो थोड़ा स्लो हमें करवाना पड़ता है, बाकी अगर फास्टली हम चलेंगे तो फिर स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा वो चीज, सारी क्लासे फ्री हैं, ये जो क्लासे आपकी चल रही है सारी फ्री है, बुक का हम आपको यहाँ लाइव में नहीं बता सकते, आपको अगर पूछना है तो आप हमारे सपोर्ट नंबर पे कॉल करके वहां से आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू आप सपोर्ट करें, थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट।